पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने घर से चंद फासले की दूरी पर स्थित रामपुर की जिला जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल में बंद अपने समर्थकों से मुलाकात की। कुछ देर रुकने के बाद वो जेल से बाहर निकले और मीडिया के सवालों का रुंध गले से जवाब देते हुए कहा, इशारों में अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी को अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा कर जाहिर किया। अपने आप को निराधार के साथ ही बिना हैसियत का आदमी तक कह डाला। इन सब के बीच उन्होंने अदालत का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया और क्या कुछ कहा, आजम खान न्याय दिखाते हैं। सदस्य तो मैं लोकसभा का भी था और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार प्रशासन पुलिस वो सब का कल जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं किया। हाँ बस इतना हुआ 3.5 लाख की भी 1.5 लाख रही। मैं तो तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल मैं जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं गया। अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चा ही है कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए, मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा, मेरा अपना ही कौन सा आधार, गरीब आदमी गली में रहने वाला। हाँ एक खता हुई थी, बच्चों के हाथ में कलम लेना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर EST गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, वो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बने और लोग उन्हें देखने आया करें, हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए हैं, उनके किस्से और कहानियाँ, उनके वालदैन, उनके दादी दादा नानी नाना सुनाया करेंगे, वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था, हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।